हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वी आर बैक विथ आवर न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफेस्ट कंट्री फॉर फीमेल्स टू डू MBBS अब्रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि हमको MBBS अब्रॉड करना है बाहर से। तो पेरेंट्स के मन में पहले ये सवाल आता है कि सेफ कंट्री कौन सी है फीमेल्स के लिए MBBS अब्रॉड करने के लिए। सो गाइस, हम पहले बात करें तो सेफेस्ट कंट्री कौन सी है और हम किसको कंसिडर कर सकते हैं और कौन से पैरामीटर पे हम उसको सेफेस्ट कंट्री बोल रहे हैं और नॉन सेफेस्ट बोल रहे हैं। गाइस, हम सेफेस्ट कंट्री की बात करें, जो हम डिपेंड करते हैं वो उसके क्राइम रेट पे। तो गाइस, जो सेफेस्ट कंट्री है वो सारी की सारी रहती है यूरोपियन साइड की बॉर्डर पे, जो कि है रोमेनिया, बेलारूस, पोलैंड, और हम बात करें रशिया की, रशिया भी इसी में आता है, मतलब सेफेस्ट कंट्री में आता है। और हम कहाँ सजेस्ट नहीं करते आपको MBBS करने को, वो की है बांग्लादेश, नेपाल और चाइना। वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है। सो गाइज, ये पॉइंट आप दिमाग में रखें जब आप MBBS इन अब्रॉड के बारे में सोचें फॉर फीमेल्स। गाइज, 100% सेफ तो कुछ नहीं होता, सेफ्टी अपने हाथों में होती है। सो गाइज, कौन कौन से टिप्स का आपका ध्यान रखना चाहिए? जो है टिप नंबर वन, जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, जो भी आपने कंट्री सिलेक्ट की, जो यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसी का आप हॉस्टल या डॉर्मेट्री में वहाँ पर रहे, क्योंकि वहाँ पर जब आप रहते हो तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपकी सेफ्टी के लिए। और गाइस, मैं आपको सेकंड पॉइंट बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर में क्यों आपको हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो तब आप नए होते हो, उनकी लैंग्वेज नहीं पता होती। एग्जांपल रशिया, आप जब रशिया में आओगे तो आपको आनी चाहिए रशियन लैंग्वेज, क्योंकि आप लोकल से इंटरेक्ट कर पाओ। तो एक साल जब आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको रशियन भी सिखाई जाती है यूनिवर्सिटी में। सो गाइस, आपके जो लोकल फ्रेंड भी बन जाएंगे। फिर आप सेकंड ईयर से, टिप नंबर टू है, जो आप सेकंड ईयर से, आपको जब रशियन आ जाए, आपके जब लोकल से फ्रेंड बन जाए, तब आप PG या हॉस्टल में रह सकते हैं या फिर फ्लैट भी ओप्ट कर सकते हैं। और गाइस, टिप नंबर थर्ड की बात करें, जो कि है कौन से आपके सेफ आवर्स है, मतलब आप कब ट्रैवल कर सकते हैं और आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है जो सेफ है, जैसे कि लोकल के अंदर आपकी बसेस सेफ है, ट्राम सेफ है, या फिर आपको टैक्सी ऑप्ट करनी चाहिए। गाइस, ये पहले दिमाग में रखें कि सेफ्टी आवर्स कौन से, क्यों बताऊँ, कोई भी कंट्री कितनी भी सेफ हो, बट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मतलब रात के 12-1 बजे बाहर निकलना अच्छा नहीं होता, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो गाइस, इस वीडियो की समरी की बात करें, मैंने आपको 3 टिप्स दिए। फर्स्ट, आपको हॉस्टल ऑप्ट करना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आप जा रहे हो। सेकंड, आपके जो सेफ्टी अवर्स कौन से और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके लिए कौन सा सेफ है। और गाइस, थर्ड, जब आपके लोकल में दोस्त बन जाए फिर आप हॉस्टल छोड़ें, नहीं तो आप सेकंड ईयर से भी हॉस्टल में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और गाइस, आपके जो भी डाउट हो आप हमको कॉल कर सकते हो या फिर हमको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर।